दोस्तों मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों गर्मियों की ठंडी और गीली छत, सितारों से टका आसमान, आसमान से बतियाते आप और हम सब। एक जमाना था जब गर्मी की रात बड़ी सुहानी लगती थी, आसमान तकते हुए तारों से बतियाते थे। सप्तर्षि तारों में तरह तरह की आकृतियां नजर आती थीं। शुक्र तारा पहचानने की आपस में शर्त लगती थी, होड़ लगती थी कि कौन पहले पहचानेगा। चांद में सूत कातती बूढ़ी दादी नजर आती थी, छत पर पानी डालकर सुखाते थे, रेडियो पर सुनते थे बेमिसाल गाने। तो याद कीजिए बचपन वाली गर्मियों की रातें। गर्मी की रात से कोई खास याद जुड़ी हो तो वो भी बताइए। तो आज गर्मी की रात से जुड़ी बातें, चांद सितारों और आसमान वाले गाने, साझा कीजिए अपने अनुभव, बताइए अपनी बातें और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला सवाल जवाब का। पहला सवाल आ रहा है, गाना सुनकर आपको बूझना है पर्दे पर कौन है हीरो जो इन नजारों को दिखा रहे हैं, गा रहे हैं, और कौन है हीरोइन। फिल्म है जाल। हेमंत कुमार की आवाज है। साहिल लुधियानवी के बोल। रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहारे हैं,
कहानियां एक बार चल दिए दर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के एक बार चल दिए दर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के आ जाए अभी जिंदगी है जवान सुन जा दिल की दास्तां ये रात ये चांदनी फिर कहां सुन जा दिल की दास्तां जाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है गर्मियों की छुट्टियों में जब हम अपने गांव जाते थे तो घर के भीतर वाले भाग में जो छत था इस पर महिलाओं को सोना होता था तब कुएं से पानी निकाला जाता था एक दो बाल्टी से छत पर छिड़काव कर दिया जाता था और आजी माँ काकी चाची हम सब बच्चे सोते थे। सोते वक्त दुनिया जहान की बातें होती थी वे हमें दिखाती थी कि सारे तारे इधर उधर दिखाई दे रहे हैं सुबह में सभी एक जगह हो जाएंगे। एक चमकीला तारा दिखाई देता था जिसे शुक्र यानी ध्रुव तारा कहती थी और भिनसारे भोर में आसमान की तरफ देखती थी। जैसे ही एक लाइन से सात तारे दिखाई देते हैं जिसे सतघड़ियां सप्त ऋषि बोलती थी। नीचे आ गया तुम लोग नीचे जाओ उस अलस सुबह में माँ काकी को छत से आना पड़ता था क्योंकि भोर होने का वो सूचक था और ये लोग घर की बहू थी खुले छत पर सो नहीं सकती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि रातें वही सुबह वही चांद भी वही मगर गर्मी की छुट्टी आते ही जैसे इन सब के मिजाज बदल जाते हैं। बचपन वाली गर्मी की छुट्टी के वे दिन जब छत पर लेटे लेटे आसमान को निहारा करते थे तो समझ ही नहीं आता था कि चांद कहाँ जा रहा है। आसमान धीरे धीरे बड़ा होता फिर उसमें तारे आते तारे मछली की आंख बराबर छोटे होते दूर नजर आ रही रोशनी की बूंद जैसे लगते थे। ये सितारे सुराही मटके के खुशबूदार पानी का जायका रात को छत पर सोते हुए तारों का गिनना और ऊपर छत पर जाते समय अपना छोटा सा रेडियो साथ ले जाना सभी के बचपन का ये समय अनमोल यादों से लदा फदा है। बिल्कुल सही फरमाया है दोनों टिप्पणियों में बड़ी प्यारी बातें लिखी हैं और ये सारी बातें हमें बचपन के उस संसार में ले जा रही हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं थी जब ये सोशल मीडिया नहीं था सिर्फ रेडियो होता था। रेडियो के साथ आप गर्मियों की रातों का लुत्फ लिया करते थे एंजॉय किया करते थे गर्मी के मौसम को बाकायदा उसका इस्तेमाल करते थे। छत की धुलाई होती थी फिर सूखने का इंतज़ार फिर उसके बाद अपनी किताबें कॉपियां लेकर छत पर नाइट बल्ब लगाकर पढ़ने का इंतज़ार बहुत कुछ होता था। चलिए अब आगे बढ़ें क्योंकि अगर बातें करते रहें तो गाने कब सुनवाएंगे। दोस्तों कई बार आंखों से नींद गायब होती थी गर्मियों की रातों में छत पर लेटे लेटे खुले आसमान तकते रहते थे चांद सितारों में कोई परछाई खोजते थे कि ये वाली परछाई का क्या मतलब हो सकता है। सितारों की गिनती भी किया करते थे और गिनती करते करते रात बीत जाती थी और कोई सितारा हाथ नहीं आता था कि जिसे उंगलियों पर गिना जा सके। कितना सुखद होता था वो लम्हा वो बचपन के दिन। तो आप अपने अनुभव बताते चलिए फिलहाल बताइए रुपहले पर्दे पर कौन दो कलाकार हैं जिन पर फिल्माया गया है ये सुनहरा गाना फिल्म काला बाजार। खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया जा मस्ती भरी जो चली
मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उनको तो बुलाओ। हो हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो हो, खोया खोया जा, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो हो, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। काला बाजार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, देव आनंद और वहीदा रहमान। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है, वैसे मेरे बचपन में गर्मियों और शरद ऋतु में कोई फर्क नहीं था, स्कूल जाना आना यही क्रम चलता था। हर रात निराली होती थी, बड़े आंगन में खाट पर हम सब भाई बहन देर रात सितारों को देखते हुए गपशप करते और फिर घर के अंदर सोते थे, बहुत मजा आता था। आज बुढ़ापा आ गया लेकिन छत वाला घर अभी भी ठंडक और सुकून देता है। बहुत बड़ी छत है, चारों तरफ पानी डालकर ठंडा करने के बाद हम सब वहीं सोते हैं, एसी में कोई नहीं जाना चाहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रातें गर्म, फर्श गर्म, बिस्तर गर्म, और जब हम चले छतों पर पानी डाल लें ताकि ठंडक हो, थोड़ी देर में बड़े बच्चों को आवाज देकर बिस्तर लगवाना अपनी जगह फिक्स होती थी। जैसे जैसे रात गहराती ठंडक बढ़ती तब तरबूज या कुछ खाने को लाया जाता, कभी कभी अंताक्षरी खेलते या चांद सितारों को देखकर ख्याली पुलाव पकाते कि बादलों की ओर से कोई राजकुमार घोड़े पर आ रहा है, क्या बात है भाई, या चांद में बुढ़िया सूत कात रही है चरखे से। हम सब उस चांदनी में सुई में धागा डालकर अपनी अपनी आंखें टेस्ट करते, कौन जल्दी धागा डालेगा। एक बात बहुत फेमस थी कि मालवा के दिन कितने ही गर्म क्यों न हो रातें ठंडी होती हैं, लेकिन अब न तो कोई छत पर सोता है न ही चांद देखकर बातें होती हैं, अब तो कूलर और एसी रूम में मोबाइल चलाते हैं, गाना सुनते हैं। ये जो तरबूज वाली बात लिखी है बड़ी प्यारी टिप्पणी लगी, और ये और जोड़ दें कि रात गहराती थी तो कई बार अगर पढ़ाई का प्रेशर होता था कि इम्तिहान होने वाले हैं, नींद नहीं आ रही है, तो चाय और कॉफ़ी का भी दौर चलता था कि चाय कॉफ़ी से शायद नींद भग जाए और पढ़ाई और अच्छे से हो सके। और दोस्तों कभी कभी गर्मी की रात में सन्नाटा भी होता था, अगल बगल कोई आवाज़ नहीं होती थी, डरावनी लगती थी रात। रात में तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती थी जो डराती थी, और गांव के आंगन में भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियाँ सुनाई जाती थी, नानी दादी कहानियाँ सुनाती थी। तो क्या वो कहानियाँ आपने भी सुनी है नानी दादी से, तो याद कीजिए वो दिन और बहुत कम शब्दों में साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करके आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बहुत आसान सवाल,
पूछ रहे हैं। सुनिए गाना और बूझिए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। घर नंबर 44 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम बता ही दिया घर नंबर 44 और संगीतकार थे सचिन देवबर्मन। सभी श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद पर कितना कुछ लिखा गया है, हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक नगमा निगार हुए हैं जिन्होंने चांद को अपनी नज़र से पेश किया है। किसी को चंदा मामा लगा तो किसी को महबूबा नजर आए। चांद लंबे वक्त से हमारी शायरी, कहानियों, गीतों और कविताओं में बसा हुआ है। गर्मी की रात और चांद का काफ़ी अच्छा संबंध है। एक श्रोता ने लिखा है कि जहाँ तक मुझे बचपन के वो दिन याद हैं, गर्मियों के दिनों में मैं और मेरा परिवार रात में छत पर सोया करते थे और जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी सीधी हमारे शरीर पर पड़ती थी उसका मजा ही कुछ और था। और रात्रि को हम अपना सोने तक का समय विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पर गाने सुनते हुए बिताते थे और फिर मीठी मीठी नींद के आगोश में समा जाते थे। क्या बात है भाई। अब जरा अगले सवाल की बारी है। दोस्तों, गर्मी की रात में कभी आपने चांद निकलने का इंतजार किया है? चांद के साथ अपने परिवार के लोगों के आने का कभी इंतजार करना पड़ा है? छत की धुलाई और पानी सूखने का इंतजार और छत की मुंडेर पर रखे रेडियो पर बजता ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं, कभी सुना है? तो सुनिए इस गाने को और हमें बताइए कि कौन है हीरोइन जो हीरो के लिए गा रही है गाना और हीरो का नाम भी आपको बूझना है। गीली छत पर रखा रेडियो जब बजता था और ऐसा कोई गाना बजता था तो कैसा लगता था
उस एहसास को साझा कीजिए और साथ में बताइए हीरो हीरोइन का नाम। चांद फिर निकला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन हीरोइन के सिरो के लिए गा रही हैं ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, नूतन हैं छत पर गाना गा रही हैं और देवानंद हैं हीरो। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि आपने तो बचपन की याद दिला दी, उन दिनों गर्मी की रातों में हम भी छत पर सोया करते थे पानी पटाने के बाद, और फिर मेरे पिताजी हमें सप्तर्षि तारों की पहचान कराई उन्होंने, जिन्हें वे बिग स्पून कहते थे, और उसके माध्यम से हमें ध्रुव तारा का लोकेशन भी बताया। आजकल तो ज्यादातर लोग एसी की हवा खाते हैं, पर हम अभी भी पुराने कथन पर विश्वास करते हैं, और जब भीषण गर्मी पड़ती है तो पेड़ की छांव हमें सुकून देती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां दिन भर मस्ती और शाम ढलते ही छत पर पानी का छिड़काव, भीनी भीनी खुशबू और संयुक्त परिवार होने के कारण सभी अपने निर्धारित स्थान खुले आसमान के नीचे अपने बिस्तरों पर, फिर बातों का अंताक्षरी का दौर देर रात तक चलता था। आज वो यादें मानो सुनहरे स्वप्न बन के रह गए हैं, आपने ताजा कर दी। शुक्रिया अदा करते चल रहे हैं आप सभी का इन बातों के लिए। गर्मी की उमस भरी रात में कभी आसमान में उगते हुए चांद को आपने देखा है? वो कैसा एहसास था ये भी बताते चलिए। अब जरा बताइए कि कौन है कलाकार फिल्मी पर्दे पर, फिल्म चोरी चोरी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा भी न
कमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, तूने भी नहीं देखा मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। चोरी चोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, राज कपूर और नरगिस। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों की छुट्टी में हम सभी भाई बहन छतों पर सोया करते थे। शहर में तो पंखे की हवाएं तो हम सभी को सुला देती थी, लेकिन अचानक गांव में आ जाने के बाद अच्छी नींद आने के लिए छत पर ही सोया करते थे। पंखे की आदत लग जाने के कारण नींद आने में समय लगता था। तो हमारी छोटी बहन ने बताया कि हम लोग सोए सोए सितारों की गिनती करते हैं। ऐसे करने से आंखों पर जोर पड़ेगी और स्वतः आंखें बंद होने लगेंगी। और ऐसा ही हुआ और सितारों की गिनती करते करते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी की रातों में जब आकाश को निहारते सोते हैं तब आकाश में सफेद बादलों में मन से बनी आकृतियां दिखती हैं, जो एक घड़ी दिखाती है जो दूसरी घड़ी बदल जाती थी। चांद की बादलों के छुप जाना अजब लगता है। साथ में विविध भारती रेडियो पर भूले बिसरे गीतों को सुनने का क्या कहना। दरअसल विविध भारती से उस समय रात को छाया गीत, हवा महल, ये सब कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। भूले बिसरे गीत का समय सुबह हुआ करता था और आज भी भूले बिसरे गीत सुबह प्रसारित किया जाता है, सुबह 7 बजे। चलिए अब आगे बढ़ें और अब अगले सवाल की बारी है। फिल्म है बंटवारा, कौन है कलाकार ये है आपको बताना। रात ये फिर आए या ना आए, आओ शमा बुझा के हम आज दिल जलाए।
खामोशी ये रेशमी अंधेरा कहता है जुल्फ खोलो रुक जाएगा सवेरा जुगनू से मिल आप सुन रहे थे बंटवारा फिल्म का ये गाना और हमारे श्रोताओं की लगातार टिप्पणियां आ रही हैं और लगातार हमारे श्रोता टिप्पणियां कर रहे हैं जिसमें अपनी बचपन की यादें साझा कर रहे हैं जिसमें वो रात चांद से जुड़ी हुई बातें भी हमें बता रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा संयुक्त परिवार था और हमारी छत छोटी थी। गर्मी के दिनों में तब ऐसा लगता था कि काश हमारी भी बड़ी छत होती, हम सब साथ में सोते। शाम के वक्त हम सब भाई बहन मिलकर छत पर पानी डालकर गद्दी बिछा के रखते थे। रात को चांदनी रात में रेडियो सुनते थे और ताश खेलते थे। सुनहरे दिन थे वे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर सोने का आनंद ही अलग था जो अब नहीं मिलता। शाम को ही छत पर पानी का छिड़काव करके सूखने पर बिस्तर लगाना और फिर सोते हुए आकाश के तारों को निहारना, तारों को गिनना, सप्तऋषि और ध्रुव तारे को देखना। अचानक कभी कोई तारा टूटता हुआ दिख जाए तो मन में अनिष्ट की आशंका का घर कर जाना। साथ ही रेडियो पर गाने सुनना। देर रात तक कहानी, किस्से और कभी कभी हल्की बूंदाबांदी होने लगती तो चादर को ओढ़कर दुबक जाना आज भी याद आता है। और जब तेज बारिश होती थी तो बिस्तर लेके छत से भागना, ये भी तो याद आता होगा। दोस्तों, गर्मी की रात में नीले आसमान में खिले खिले तारे और तारों को पहचानने की होड़ लगती थी। भाई बहन एक दूसरे से पूछते थे, कौन सा है शुक्र तारा, कौन सा है पुच्छल तारा। क्या आपने भी ऐसी पहेलियां आपस में पूछी थी? फिलहाल बूझिए फिल्म का नाम। तारों की ज़बान पर है मोहब्बत की कहानी, ऐ चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। कहते हैं जिसे चांदनी है नूर मोहब्बत, कहते हैं जिसे चांदनी है नूर मोहब्बत। तारों से सुनहरी है हमेशा तेरी किस्मत, तारों से सुनहरी है हमेशा तेरी किस्मत। जा जा के पलट आती है फिर तेरी जवानी, चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। दुनिया पे मोहब्बत का असर है, छाया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है। तारों से कहा करता है ये दिल की कहानी, मुबारक हो तुझे रात सुहानी। तारों की ज़बान पर है मोहब्बत।
फट की कहानी है, चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी, हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी, ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी। रह जाएगी दुनिया में मोहब्बत की निशानी है, चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। तारों की जुबां पर है मोहब्बत की कहानी है, चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। नौशेरवाने आदिल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही था हमारा सवाल। हमारे श्रोताओं ने अतिरिक्त जानकारी भी दी है, इस फिल्म में राजकुमार और माला सिन्हा हीरो हीरोइन थे, ये भी सही आपने बताया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो आज ममता जी बिल्कुल भिन्न उस बचपन में ले आई हैं जहां गर्मी की तपती दोपहर के बाद वो खुली छत जिस पर संध्या से ही छिड़काव कर दिया जाता था और बिस्तर बिछा दिए जाते थे, धीरे धीरे चंद्र किरणें मोतियों की माला पिरोने लगती थी और फिर छिटक कर वो माला तोड़ देती और आकाश के विशाल सरोवर में वो मोती चमक उठते, प्रकृति का अमूल्य उपहार। सब भाई बहन अपना अपना तारा ढूंढने लगते, दूर उड़ते मधुर आवाज करते सफेद बगुले। शायद ये सौंदर्य तो अभी भी वैसा ही होगा, बस समय ने हमें ही बदल दिया है। ऐसे में अगर बारिश आ जाती तो ऐसी भगदड़ मच जाती जैसे भूचाल आ गया हो। वो दिन थे या रातें पता नहीं, लेकिन जो भी हो बहुत सुखद था, रमणीय था। बड़ी ही प्यारी टिप्पणी आपने लिखी है, सचमुच बचपन के वो दिन बड़े ही सुहाने होते थे। अब बताइए हमें जो गाना सुनवाने जा रहे हैं, किन अभिनेता अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, कौन है इसमें अभिनेता अभिनेत्री? वैसे तो पर्दे पर दृश्य में बहुत सारे कलाकार हैं, तो आपको हीरो हीरोइन का नाम पूछना है। फिल्म प्रिंस। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो नहीं, तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ
जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन बे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए। प्रिंस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, लंबी तादाद में जवाब आया है, शमी कपूर और वैजयंती माला। एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों रेडियो पर बचपन के दिनों में मीडियम वेव और शॉर्ट वेव प्रसारण सुने जा सकते थे, गर्मियों के दिन हम अपना ट्रांजिस्टर रेडियो साथ लेकर छत पर सोने चले जाते थे, जब हमारा प्रादेशिक केंद्र पर रात 11 बजे प्रसारण बंद हो जाता था तब हम मुंबई विविध भारती ट्यून कर बेला के फूल प्रोग्राम जो 11 से 11:30 बजे तक चलता था वो सुनते थे। रात 12 बजे के बाद आकाशवाणी की विदेश सेवा का प्रसारण समाचारों के साथ फिल्मी गीत भी सुनने मिल जाते थे, ये प्रसारण शॉर्टवेव पर ही उपलब्ध हुआ करता था, वो दिन आपने याद दिला दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मी के दिन में छत पर सोने और विविध भारती सुनने का कुछ अलग ही मजा होता था। अब इस गाने का अलग मजा है, सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। फिल्म हम बताते हैं जिद्दी। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया, रात का समा
का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया रात का समा। जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं ने कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। सचिन देव बर्मन और गीतकार थे हसरत जयपुरी। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, बहुत तादाद में आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है, गांव में बाहर आंगन में खाट पर कथरी एक प्रकार की मोटी दरी जो कपड़ों की चिंदी से बनती है बिछाकर सोना ठंडक देता था। याद है बचपन में पड़ोस में कुछ डाका पड़ गया था, तो जब नीम का पेड़ था वो हिलता था, पत्तियां हिलती थी, तो बड़ा ही डरावना लगता था क्योंकि उसी पेड़ के ऊपर से कुछ हादसे हो गए थे, तो बड़ा ही डरावना लगता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपके गानों से प्रोग्राम से हमारी याददाश्त ताज़ा हो गई। जब हमें स्कूल में धूप काले की छुट्टी लगती थी तो हम सब भाई बहन गच्ची पर सोते थे। पहले गच्ची पे पानी सींचते थे, उसके बाद गद्दियां बिछा के हम लोग ताश खेलते थे और फिर पानी का छिड़काव करते थे। इसी तरह की टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की बहुत सारी आई हैं। अब आगे बढ़ा जाए और आपसे पूछा जाए अगला सवाल। आप तैयार होंगे, हमें उम्मीद है। किन अभिनेता अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना? फिल्म है चांद मेरे आजा। चांद को देखो जी, चांद को देखो जी, मस्ती लुटाए जादू जगाए दिल में हमारे रे। चांद ये कहता है, चांद ये कहता है, धरती की रानी हंसी जवानी दिन है तुम्हारे रे। चांद को देखो जी, कभी सवेरा रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे। चांद को देखो जी, जादू जगाए दिल में हमारे। चांद को देखो दे।
किन अभिनेता अभिनेत्री पर फिल्माया गया था ये गाना। फिल्म थी चांद मेरे आजा, भारत भूषण और नंदा। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। अब जरा बताइए पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं, किसके लिए ये गाना, फिल्म संग दिल। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बे खबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, तुझे क्या खबर है ओ बे खबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। संगदिल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन कलाकार किसके लिए गा रहे हैं ये गाना, दिलीप कुमार मधुबाला के लिए। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया है। अब प्रोग्राम के आखिर में गाने की एक झलक। खूबसूरत रात है, धरती आसमान एक हो रहे हैं, फिल्म है तलाश, कौन है कलाकार। आज को जुनी ली रात मां, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना, चंदा रे तू जान जा, आज को जुनी ली रात मां, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना, चंदा रे तू जान जा, आज को जुनली रात मां। अंजाना ले उड़ा मुझे
तलाश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने बहुत कम टाइम दिया आपको बताने के लिए सवाल का जवाब, लेकिन सभी श्रोताओं की ओर से बहुत लंबी तादाद में सही जवाब आया है। कलाकार शर्मिला टैगोर और राजेंद्र कुमार, इन्हीं पर फिल्माया गया था, ये गाना सही था जवाब। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हमने सजाया था रात चांद सितारों के गानों से और आपकी बातों से। अब आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।